ये देखो एक निकला, ये देखो, ये देखिए क्या मिला है, ये किसी जानवर की हड्डी। तो अभी हम रास्ता बना रहे हैं इधर की साइड जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ रामनगर से थोड़ा सा ऊपर मोहन की तरफ। तो बहुत ही सुंदर जगह है और ये देखिए शानदार पहाड़ों का नज़ारा और साथ में ये नदी बह रही है। अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। और अभी हमने काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें देखी हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक केकड़ा मिला है जो सनासी टूटी हुई है। ये देखिए ये बगले ने केकड़ा खाया होगा और ये केकड़ा की सनासी है, काफ़ी बड़ी है ये देखिए। और ये काफ़ी सारे केकड़े यहाँ पर उधड़े हुए पड़े हुए हैं ये, तो मैं इसको खा भी सकता हूँ। तो अभी हम रास्ता बना रहे हैं इधर की साइड में जाने के लिए। काफ़ी सारे हमने पत्थर फेंके हैं, ये देखो अभी देखो दिखाएंगे कैसे गिरा जाता है, गिरने का पूरा एक्सपीरियंस आपको देंगे। ये देखो अब गिर के दिखाएगा शंकर, ये अब मेहनत के साथ लगे हुए हमने पूरा राम सेतु बना दिया है। सामने श्रीलंका, हम श्रीलंका पहुंचेंगे। ये देखिए ये तैरते हुए पत्थर, शेखर भैया हमें गिर कर दिखाएंगे, गिर कर दिखाओ। ये देखिए क्या मिला है, ये किसी जानवर की हड्डी है, ये दांत है इसके और ये पूरा उसका जो सिर होता है वो वाला पार्ट है। और हो सकता है किसी शेर ने ये खाया हो, और ये हिरन की मुझे लग रही है क्योंकि हिरन की आगे चोंच पतली होती है। और ये देखिए कितना अजीब कंकाल है और इसमें कोई बदबू नहीं आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया है इसे। यहाँ पर शेखर भाई केकड़े पकड़ रहे हैं और देखते हैं इन्होंने कितने केकड़े पकड़े हैं। देखिए भैया केकड़े, कौन सा केकड़ा पकड़ा तुमने? ये देखो एक निकला, ये देखो, इसे छोड़ के दिखाओ, देखते कितनी तेज भागेगा। यहाँ पर छोड़ के दिखाओ, चलो तो उस केकड़े को देखते हैं यहाँ पर छोड़ कर कितनी तेज भागेगा। इस यहाँ पर रखो पत्थर के ऊपर, ये पत्थर के नीचे छुप गया है। तो बहुत केकड़े हैं यहाँ पर, पहले मार लेंगे ना धुम्बे, ये पता कितने महंगे मिले। देखिए मेरा कितना मोटा है, ये तो मरा हुआ यार, मरा हुआ है आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये जगह है कहाँ पर। दोस्तों हम आपको बता दें, ये जगह रामनगर से लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूरी पर है। जब आप रामनगर से मोहान वाली रोड पर चलते हैं तो उस रास्ते में पड़ता है गिरजा मंदिर। गिरजा मंदिर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक गधेरा बहता है। ये गधेरा सीधा नदी में को बहता है। आप यहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करके घूमने के लिए आगे आ सकते हैं। बहुत ही शानदार ये एक वैली है, यहां पर आपको केकड़े, मछली, हिरन, हाथी सब देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर जगह है। दोस्तों अब इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की अगर आप और भी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए देसी प्रॉपर्टी से और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।